वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ये पार्ट पिछली क्लास में हम कवर कर चुके हैं। आज इनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो मेरे साथ लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं उनके पास एक बुकलेट होगी, हम उस बुकलेट से वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी लिखता चलूंगा और आपको समझाता भी चलूंगा, सोल्यूशन भी बताता चलूंगा। पहला क्वेश्चन ये है, इफ द मिडल पॉइंट्स, इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल, इफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल के जो साइड है उनके मिड पॉइंट्स गिवन है, इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल बी -2, 3, 4, -3 एंड तीसरा जो मिडल पॉइंट है वो है 4, 5। आपके पास तीन मिडल पॉइंट गिवन है, तीन साइड होती है ट्राइंगल की, ट्राइंगल की तीन साइड्स के तीनों मिड पॉइंट गिवन है। इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, तीन मिड पॉइंट आपके पास आ गए, देन बोलता है फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, देन फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करना है कि ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है इफ द मिडल पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ट्राइंगल के तीनों मिड पॉइंट्स गिवन है, तो आपको ये बताना है कि उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, हम सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाते हैं। इस ट्राइंगल के मैंने तीन वर्टेक्स लिए ए बी सी, आपके पास तीन वर्टेक्स हैं, ठीक है। इन तीनों वर्टेक्स के हिसाब से आपको तीन साइड नजर आ रही होंगी, एक ए बी, एक बी सी, एक ए सी। अगर आप तीनों मिड पॉइंट्स लिखें तो देखो, पहला मिड पॉइंट मान लीजिए मैं पी से लिखता हूं -2, 3, ये मिड पॉइंट है। दूसरा मिड पॉइंट मैं क्यू से दिखाता हूं 4, -3, और तीसरा मिड पॉइंट आर 4, 5। आपके पास तीन मिड पॉइंट गिवन है, -2, 3 पहला मिड पॉइंट, 4, -3 दूसरा मिड पॉइंट, 4, 5 तीसरा मिड पॉइंट। अब आपको फाइंड करना है इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की डेफिनेशन में क्लियर कर दूं आपको कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका सेंट्रोइड आता है। कि सेंट्रोइड क्या होता था, कि मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्क्रेंसी बोल लो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल लो, वो आपके पास सेंट्रोइड आता था। अब सेंट्रोइड निकालने का मैंने तरीका बताया था, x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3, लेकिन उसके लिए वर्टेक्स का होना जरूरी है। अब मैं आपको एक रिजल्ट बता देता हूं, ठीक है, उस रिजल्ट को आप याद रखना कि मिड पॉइंट से जो ट्राइंगल बना, आपको यहां पे दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, ठीक है, दोनों का सेंट्रोइड सेम होता है, ध्यान रखना ये रिजल्ट आप याद रखना। अगर आप ये रिजल्ट लगाओगे तो डायरेक्ट आप आंसर पे पहुंचोगे, आपको वर्टेक्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है एबीसी के। मैंने क्या बोला कि मैंने ये बोला कि जो पी, क्यू और आर है, ये क्या चीज है, आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल के साइड्स के मिड पॉइंट गिवन है पी क्यू आर। तो दिस इंप्लाइज आपने एक रिजल्ट याद रखना है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। अगर पी क्यू आर उनके मिड पॉइंट से मिलके कोई ट्राइंगल बना है तो उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड और एबीसी ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम होगा। अब इस ट्राइंगल का सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए तो आपके पास तीनों एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दो, तो -2 + 4 + 4 / 3, दो तीनों वाई कोऑर्डिनेट जोड़ दो, 3 + 5 - 3 / 3, आपके पास ये आएगा। तीनों एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ दिए क्योंकि पी क्यू आर के तो वर्टेक्स हमें पता ही है, और एबीसी के हमें निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर पी क्यू आर मिड पॉइंट है तो एबीसी ट्राइंगल के और पी क्यू आर ट्राइंगल का सेंट्रोइड सेम होगा, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 4 * 4 = 8 / 2 = 6/3, मतलब 2, 2, आपके पास आएगा 2, 5/3 इज द आंसर। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स गिवन थे तीनों साइड्स के, और पूछा गया था कि उस ट्राइंगल का सेंट्रोइड बताइए, तो आपने एक रिजल्ट याद रखना है कि अगर मिड पॉइंट से मिलकर अगर ट्राइंगल बनता है, मिड पॉइंट से मिलकर अगर ट्राइंगल बनता है, तो छोटे ट्राइंगल और वो जो बड़ा ट्राइंगल आपको डायग्राम में नजर आ रहा है
दोनों ट्राइंगल का सेंट्रोइड हमेशा सेम होता है, तो हमें जरूरी नहीं है कि हम एबीसी के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें, हमें पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट्स पता है, वहीं से सेंट्रोइड आ जाएगा, वही सेंट्रोइड आपका एबीसी का रहेगा। ठीक है, एक बार मैंने अभी जो समझाया, जिसको बोर्ड क्लियर है, साउंड क्लियर है, जो लाइव क्लास में जुड़े हुए, प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, वेरी गुड, नोट करते चलेंगे ताकि हम फिर आगे फटाफट बढ़ें, काम को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए फटाफट आप नोट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये कंसेप्ट आप याद रखना, मैं अलग अलग कंसेप्ट के अलग अलग क्वेश्चंस आपके आगे रख रहा हूं। नेक्स्ट, नेक्स्ट की हम बात करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 1,3, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 1,3 एंड टू ऑफ इट्स वर्टिसेस, टू ऑफ इट्स वर्टिसेस आर -7,6 एंड 8,5, देन फाइंड इट्स थर्ड वर्टेक्स। हमें ट्राइंगल का तीसरा वर्टेक्स बताना है। देखो सेंट्रोइड का एक दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा है, इसको और क्लियर करते हैं। एबीसी मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, एबीसी के दो वर्टेक्स गिवन है, एक -7,6, दूसरा 8,5, तीसरा हमें फाइंड करना है। तीसरे को मैं क्या मान लेता हूं, अल्फा बीटा। अगर मैं थर्ड को अल्फा बीटा मान लूं, ठीक, और हमें ये पता है कि इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, इसने बोला है द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल इज 1,3, तो जो सेंट्रोइड है उसके कोऑर्डिनेट्स 1,3 गिवन है, और एबीसी आपके पास तीन वर्टेक्स हैं, ठीक है, तीन में से दो गिवन है और थर्ड फाइंड करना है, और सेंट्रोइड गिवन है 1,3। क्लियर, अब हमें ये पता है, अब आप देख सकते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल इज, सेंट्रोइड ट्राइंगल के सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स 1,3 है, वो मैंने डायग्राम में दिखाए हैं। दो वर्टेक्स, दो कोऑर्डिनेट आपको दिए गए हैं, दो वर्टेक्स के थर्ड के फाइंड करने हैं। ठीक है, आपने रिजल्ट ये पढ़ा है कि जो सेंट्रोइड होता है वो ये होता है x1 + x2 + x3 / 3, y1 + y2 + y3 / 3। आपको ये सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स निकालने का तरीका आपने पढ़ा है, अब आप ये अप्लाई करते हैं यहां पे, तो वी गेट -7 + 8 + α / 3। ऐसे आप तीनों वाई कोऑर्डिनेट्स को जोड़ोगे तो 6 + 5 + β / 3, तो वी गेट जी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो आएंगे 1 + α / 3, 11 + β / 3। ये आपके पास आ गए, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर आप बात करो तो जी के कोऑर्डिनेट्स तो 1,3 है। अगर आप 1,3 के हिसाब से बात करते हैं तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल, और ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। अगर हम इसको इक्वल करें तो 1 + α / 3 इज इक्वल टू 1, मैं 3 को इधर ले आऊं, 1 + α इज इक्वल टू 3, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2। अगर इसी हिसाब से आप इधर वाले को इक्वेट करें तो 11 + β / 3 इज इक्वल टू 3, अगर आप यहां से बीटा फाइंड करें तो कितना आएगा, 2। तो आपके पास आंसर आ गया कि जो सी कोऑर्डिनेट है, सी के कोऑर्डिनेट आपके पास एक बार चेक करो, ये -2 आएगा, बीटा जो आएगा ये कितना आएगा, -2, 3 3 = 9, 9 में से 11 घटाओगे तो क्या आएगा, -2। तो आपके पास जो सी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 2,-2।
आपके पास इसका जो आंसर आया वो ये आया 2, -2। ये आपके पास एक सेंट्रोइड का एक और क्वेश्चन मैंने लिखा, ये आपके पास सेंट्रोइड है। हाँ भाई, जिस जिसको ये समझ आया, सब कुछ क्लियर था, प्लीज फटाफट जो लाइव क्लास में रेज योर हैंड, नेक्स्ट पे डिस्कस करेंगे फिर। वेरी गुड, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस फाइंड द इन सेंटर ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 1, √3, 0, 0 एंड 2, 0। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, इन सेंटर मैंने आपको कल समझाया था, एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका इन सेंटर कहलाता है। देखिए, इन सेंटर फाइंड करने के लिए हमें साइड्स की जरूरत होती है। सबसे पहले हम साइड फाइंड करेंगे कि तीनों साइड क्या है, 1, √3, दूसरे के कोऑर्डिनेट 0, 0 और तीसरे के कोऑर्डिनेट 2, 0। अब आपको यह पता है हम हमेशा ए के सामने की साइड को हमेशा ए लेके चलते हैं, बी के सामने की साइड को हमेशा बी से डिनोट करते हैं और सी के सामने की साइड को हमेशा सी से डिनोट करते हैं। अगर मैं ए की बात करूं जिसको कि आपने बी सी लिखा है, अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो 2 - 0 का स्क्वायर + 0 - 0 का स्क्वायर, अगर आप सोल्व करोगे तो वी गेट 2। अगर आप बी की बात करें जिसको कि आपने ए सी लिखा है √, वही सेम डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कीजिए, 2 - 1 का स्क्वायर प्लस इसको भी अगर आप सोल्व करोगे तो वी गेट 2। आप सोल्व करके देख लेना डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, अगर आप इसको भी सोल्व करोगे तो वी गेट 2। तीसरी साइड सी जिसको कि आपने ए बी को लिखा है सी, अगर आप इस पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हो तो 1 - 0 का स्क्वायर + √3 - 0 का स्क्वायर वी आल्सो गेट 2। देखो, वैसे भी आपको तीनों साइड फाइंड करनी होती हैं, ठीक है, तीनों साइड आपने फाइंड की, तीनों साइड फाइंड की और तीनों आगे बराबर, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। एबीसी जो है वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर एबीसी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपने ए की बात याद रखनी है, दिस इंप्लाइज इन सेंटर इज आल्सो इक्वल टू सेंट्रोइड। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर चारों एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ध्यान रखना, मैं ये पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर कॉन्साइड्स ईच अदर, सेम पॉइंट होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में। इन इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रोइड निकालना हो, इन सेंटर निकालना हो, सर्कम सेंटर निकालना हो या ऑर्थो सेंटर निकालना हो, एक ही बात होती है, चारों एक ही जगह लाई करते हैं, एक ही सिंगल पॉइंट पे लाई करते हैं इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब हमें यह पता लग गया कि जो हमारा ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में इन सेंटर फाइंड करो जी, सेंट्रोइड फाइंड करो, बात तो बराबर ही है, तो मैं क्यों इन सेंटर पे जाऊंगा, सेंट्रोइड निकालना ज्यादा आसान है क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो मैं डायरेक्ट किस पे बात करूंगा, सेंट्रोइड पे बात करूंगा। अगर आप सेंट्रोइड फाइंड करना चाहते हो तो तीनों को जोड़ दो, 1 + 0 + 2 / 3, √3 + 0 + 0 / 3,
वी गेट 1.1/√3 इज द आंसर। इन सेंटर और सेंट्रोइड सेम ही होगा क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है, ये जो केस है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों पॉइंट आपके बराबर होते हैं, चारों चारों पॉइंट एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, ये आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस है। हाँ भी जिस जिसको लाइव क्लास में समझ आया फटाफट प्लीज रेज योर हैंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें फिर। जो जो पॉइंट मैं क्लियर करता चल रहा हूं इनको आप नोट करते चलेंगे। वेरी गुड, ठीक है आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने ध्यान रखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बता देता हूं। इन अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल को तो मैंने अभी समझाया आपको। इन अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल को छोड़ के, अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल एक स्ट्रेट लाइन पे क्या क्या लाई करता है ध्यान रखना। पहले लाई करता है ऑर्थो सेंटर, फिर लाई करता है नाइन सेंटर, फिर लाई करता है सेंट्रोइड, जी से आप क्या दिखाते हो सेंट्रोइड, और सी से आप क्या दिखाते हो सर्कम सेंटर। किसी भी ट्राइंगल में अदर देन इक्विलेटरल ये चारों एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं। फोर पॉइंट्स आर कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करना। और एक और बात, ये रेशियो हमेशा 1:1:1 चलता है। इन केस ऑफ ट्राइंगल अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल ये याद रखना ओ एन जी सी, अगर आप नाम याद रखना चाहो तो ओ एन जी सी, ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। और रेशियो 1:1:1 चलता है, ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम छोड़ देंगे, इसको हम ध्यान नहीं देंगे। अगर मैं इसको हटा देता हूं तो देखो अब आपके पास बचता क्या है। अगर आप इसको हटा देते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पे, मतलब कैसे, जैसे ये एक ट्राइंगल है कोई भी, इक्विलेटरल नहीं है, बस ये ध्यान रखना इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। इसमें मान लीजिए आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन पे पहले तो लाई कर रहा होगा ऑर्थो सेंटर, फिर क्या लाई कर रहा होगा नाइन सेंटर, फिर क्या लाई कर रहा होगा सेंट्रोइड, और फिर क्या लाई कर रहा होगा सर्कम सेंटर, ओ एन जी सी। लेकिन ये जो ट्राइंगल है ये अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये ध्यान रखना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो चारों पॉइंट एक ही जगह लाई कर जाएंगे। अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऐसे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। अब ये रेशियो आपने देखा, अब ये रेशियो देखो ऐसे मिला, ओ एन काट दिया मैंने यहां पे पहुंच के जी और यहां पे पहुंच के सी, एन मेरे काम का नहीं है। अगर मैं एन हटा देता हूं तो देखो रेशियो क्या बना 2:1। तो मतलब मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा मैं आपको एक रिजल्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, वो रिजल्ट आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके मैं मार्क कर रहा हूं कि अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए सबसे पहले तो आएगा ऑर्थो सेंटर, फिर आएगा सेंट्रोइड, और फिर आपके पास क्या आएगा सर्कम सेंटर। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर। और इस रेशियो की बात करो तो ये रेशियो हमेशा 2:1 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये तीनों पॉइंट एक ही जगह लाई करते हैं, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया। इसमें क्या है कि ये रेशियो 2:1 है अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये रेशियो 2:1 है। अब इस रेशियो के हिसाब से अगर मैं क्वेश्चन डिस्कस करूं तो देखिए कैसे करोगे, जो मैंने अभी आपको रेशियो समझाया है इसके हिसाब से अगर आप एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहो।
वो देखिए कैसे है। इफ द सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर, द सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर 3,3 एंड 6,2 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स ऑर्थो सेंटर। इफ द सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल, अलग अलग गिवन है इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हो नहीं सकता, और अभी अभी मैंने आपको समझाया है सबसे पहले क्या आएगा ऑर्थो सेंटर, फिर क्या आएगा सर्कम सेंटर, ना सॉरी सेंट्रोइड, और फिर क्या आएगा सर्कम सेंटर। और जो रेशियो रहता है ये रेशियो क्या चलता है 2:1। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मैं अल्फा बीटा मान लेता हूं, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,3 और सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 6,2 और ये रेशियो है 2:1। ये रेशियो तो आपने याद रखना है। अगर मैं ये रेशियो के हिसाब से सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करूं, मैंने आपको सेक्शन फॉर्मूला समझाया था, अगर आप सेक्शन फॉर्मूला के हिसाब से बात करें तो देखो ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, ये 1 उधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2:6 प्लस 1 अल्फा डिवाइडेड बाय 2+1 और ये पहला कोऑर्डिनेट किसके इक्वल आ रहा होगा 3 के इक्वल, एक्स कोऑर्डिनेट 3 है। ऐसे आप दूसरे पे अप्लाई करो 2:2 प्लस 1 बीटा डिवाइडेड बाय 2+1 ये भी किसके इक्वल आ रहा है 3 के इक्वल आ रहा है। अगर आप इसके हिसाब से बात करें तो 12+α=9 तो वी गेट α -3। अगर आप इधर बात करें तो 4+β=9 तो वी गेट β=5। तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आगे क्या -3,5 इज द आंसर। अदर देन इक्विलेटरल ट्राइंगल में आपने सीक्वेंस ये रेशियो ये याद रखना है। हाँ भाई फटाफट जिसको ये कंसेप्ट समझ आया, मैंने कंसेप्ट बताया क्वेश्चन बताया लाइव क्लास में, फिर फटाफट प्लीज रेज योर हैंड। वेरी गुड, देखिए नोट आप करते चलेंगे, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन ये है फाइंड द ऑर्थो सेंटर, ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस, ऑर्थो सेंटर बताना है जिस ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं 0, 0, 3, 4 एंड 4, 0 0, 0, 3, 4 एंड 4, 0। आपको एक ऐसे अगर मैं डायग्राम से समझाना चाहूं, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, थोड़ा सा क्लियर करें इस पिक्चर को। यहां पे एक कोऑर्डिनेट ए मान लेता हूं 0, 0, बी यहां कहीं होगा 4, 0, सी कहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा 3,4। इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर फाइंड करके दिखाना है। व्हाट इज द ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर आपको कल बताया था कि एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है।
सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हो सकता है आपके सिलेबस 9th क्लास के हिसाब से अगर हम बात करें तो हो सकता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का केस दे रखा और वो कंफ्यूज करना चाहता हो, तो सबसे पहले हम साइड फाइंड कर लेंगे। जैसे ए बी फाइंड की, ए बी क्लियर है कितनी है, 4, डायग्राम में दिख रही है आपको। दूसरी साइड हम ए सी फाइंड करना चाहें, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं और आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं और फाइंड करना चाहें तो देखो क्या आया, 9 प्लस 16 कितना आ गया, 5, ये आपके पास AC आ गया। AB 4 है, AC 5 है, एक साइड और रहेगी आपके पास BC, 4 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, अगर आप बीसी की बात करें तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 1 प्लस 16 रूट 17। आप चेक कर सकते हैं तीनों कोऑर्डिनेट्स आपके पास गिवन है, एक 0 0, एक 3 4, एक 4 0। हमने चेक कर लिए तीनों डिस्टेंसेस, देखो तीनों डिस्टेंस हमें फाइंड होने के बाद ये पता लगा कि ना तो ये आप देखो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ना राइट एंगल ट्राइंगल, यहां से क्लियर है कि अबाउट ट्राइंगल इज नॉट इक्विलेटरल नॉट राइट एंगल। अगर राइट एंगल होता तो भी आसान हो जाता, इक्विलेटरल है तो भी आसान हो जाता, लेकिन दोनों में से ना तो आप इक्विलेटरल पे पहुंचे, ठीक है, ना आप राइट एंगल ट्राइंगल पे पहुंच पाए, तो अब ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका फिर बिल्कुल अलग हो जाएगा। अगर दोनों में से किसी एक पे भी पहुंच जाते तो हम बड़े आराम से फाइंड कर जाते, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देखो फाइंड करने का तरीका बिल्कुल अलग आएगा, ऐसा कोई क्वेश्चन है और ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है तो देखो हमने तो हमारा काम था स्टार्टिंग में चेक करना, क्यों, अगर इक्विलेटरल होता तो हम सेंट्रोइड फाइंड कर जाते, अगर राइट एंगल ट्राइंगल होता तो जो वर्टेक्स 90 डिग्री का है वही ऑर्थो सेंटर होता, जो वर्टेक्स 90 डिग्री पे है वो ऑर्थो सेंटर होता अगर राइट एंगल होता तो, इक्विलेटरल होता तो हम सेंट्रोइड फाइंड कर जाते, ना तो ये इक्विलेटरल निकला ना ये राइट एंगल ट्राइंगल निकला, ठीक है। इसका मतलब अब ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड होगा, ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का तरीका अब ये है, देखो मैं आपको बताता हूं, आप दो एल्टीट्यूड्स ड्रा करोगे, एक एल्टीट्यूड दूसरा एल्टीट्यूड, दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या आएगा आपके पास, ऑर्थो सेंटर, दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या आएगा, ऑर्थो सेंटर आएगा। अब एल्टीट्यूड्स कैसे फाइंड हो, एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करने का तरीका क्या है, एबी की स्लोप फाइंड करोगे, एबी के परपेंडिकुलर जो लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड होगी, ऐसे ही बीसी की स्लोप फाइंड होगी, बीसी के जो परपेंडिकुलर लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड होगी, और दोनों को आप सोल्व करोगे। देखो कैसे, फटाफट देखना, सबसे पहले हम AB की बात करते हैं, AB के लिए अगर मैं स्लोप की बात करूं जिसको कि मैं M1 लिखता हूं, अगर मैं M1 की बात करूं तो y2 माइनस y1 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, इसकी तो स्लोप क्या आनी है, 0 आनी, इसकी स्लोप 0 है। नाउ CM जो है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ सी एम
इज इक्वल टू माइनस वन डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ ए बी, इसकी स्लोप क्या आएगी? इनफाइनाइट, क्योंकि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो इसकी स्लोप वैसे भी इनफाइनाइट यानी है स्लोप ऑफ सी एम इनफाइनाइट। कोई बात नहीं, इनफाइनाइट को हम क्या लिख सकते हैं? वन बाई जीरो। इक्वेशन ऑफ सी एम आपने पढ़ा है, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, मैंने एक टॉपिक बताया था। अगर इक्वेशन पे एक लाइन पे एक पॉइंट गिवन और स्लोप गिवन हो तो आप इसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं वन पॉइंट फॉर्म से। तो वाई माइनस फोर इज इक्वल टू वन बाई जीरो इंटू एक्स माइनस थ्री, अगर आप इसको सोल्व करोगे तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री, वी गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री। आपके पास इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू तीन आएगी, किसकी? सी एम की। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन ऑफ सी एम है, सी एम की इक्वेशन आपके पास एक्स इज इक्वल टू थ्री आ गई। सेम इसी तरीके से आप किसकी स्लोप फाइंड करोगे? बीसी की, और फिर किसकी इक्वेशन फाइंड करोगे? ए एम की। देखिए सेम इसी तरीके से अगर मैं सेम कंसेप्ट यही लगा के चलूं और आप अब बीसी की बात करते हैं, बीसी के हिसाब से अगर मैं स्लोप फाइंड करूं जिसको एम थ्री लिख रहा हूं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 4, वी गेट माइनस 4। अगर मैं an जो एल्टीट्यूड है इसकी स्लोप की बात करूं जिसको मैं m4 लिख रहा हूं, तो माइनस 1 बाय m3, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं और परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है, तो यहां से m4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 बाय 4। अगर आप इक्वेशन ऑफ ए एन लिखना चाहो तो वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम फोर इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब इस एल्टीट्यूड पे पॉइंट जीरो जीरो है तो वाई माइनस जीरो इज इक्वल टू वन बाई फोर इंटू एक्स माइनस जीरो, तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू फोर वाई। ये किसकी इक्वेशन आ गई? ए एन की। दोनों इक्वेशन आ गई, आपके पास आंसर भी आ चुका है अगर आपने पहचान लिया हो तो। देखो दो इक्वेशन आपके पास आई, किस किस की? पहला एल्टीट्यूड ए एन और दूसरा एक एल्टीट्यूड हमने लिया था सी एम। ए एन की इक्वेशन तो ये है x इज इक्वल टू फोर वाई, और सी एम की इक्वेशन क्या आई थी? x इज इक्वल टू थ्री। दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऑर्थो सेंटर होगा। इक्वेशन निकालना आनी चाहिए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, जिस लाइन पे एल्टीट्यूड ड्रा किया गया पहले उस लाइन की स्लोप फाइंड होगी, उसके परपेंडिकुलर का निकालने का तरीका ये होता है, ठीक है। अब ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए अगर मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करूं तो एक्स को अगर यहां पे थ्री रख दूं तो आपके पास ये आएगा थ्री कोमा थ्री बाई फोर, ये आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा। अगर इन दोनों को सोल्व करें बाई सोल्विंग, अगर आप सोल्व करते हो इन दोनों को तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई इज इक्वल टू थ्री बाई फोर। अगर एक्स को थ्री रखता हूं तो वाई थ्री बाई फोर। तो ये आपके पास ऑर्थो सेंटर निकालने का तरीका है। लेकिन मैंने सबसे पहले आपको काम क्या बताया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो तो सेंट्रोइड निकाल दो, राइट एंगल ट्राइंगल है तो वो वर्टेक्स जो जिसपे 90 डिग्री का एंगल है वही ऑर्थो सेंटर होता है। लेकिन ना तो ये क्वेश्चन में राइट एंगल आया ना ये आपके पास इक्विलेटरल आया, तो थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया उन्होंने कि पहले इक्वेशन फाइंड करो किन्हीं भी दो एल्टीट्यूड्स की। एल्टीट्यूड्स की इक्वेशन फाइंड करने का तरीका मैंने आपको इस वीडियो में अच्छे से समझाया है, और दोनों एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका ऑर्थो सेंटर होगा। उम्मीद करता हूं थोड़ा लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था नाइन्थ क्लास के हिसाब से, लेकिन आप इस वीडियो को देखोगे दोबारा से समझोगे आराम से नोट्स बनाओगे तो बिल्कुल क्लियर होगा। इससे आगे हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू।